हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नए ब्लॉग वीडियो में। और आज का ब्लॉग वीडियो में चलिए आज हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सुमंती का तबीयत ख़राब है, मेरे पीछे हैं, मैं पीछे बैकग्राउंड ब्लर कर दिया हूँ इसलिए आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या रिपोर्ट आता है अब चलिए देखते हैं, डॉक्टर के पास जा करके पूछेंगे। तो दोस्तों अभी बिंदा पहुँच चुके हैं दवाखाना, दया मेडिकल हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। और आप लोग को पता ही है पहले बिंदा में था लेकिन गुमपड़ू मैदान के पास था हॉस्पिटल, लेकिन अभी चेंज कर दिया है और रोड किनारे ही है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे बनगांवला रोड है, तो ये बनगांवला रोड के किनारे ही है। बिंदा से थोड़ा सा आगे कुछ ही मील आगे बढ़ना है और आपको दिखेगा दया मेडिकल हॉस्पिटल। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा सा पोस्टर भी, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दवा खाना दया मेडिकल हॉल ग्राम बिंदा मुरुख खुट्टी झारखंड, पिन नंबर देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ से आपको आगे इधर मतलब जाना है, इधर है हॉस्पिटल। तो कितना सुंदर दिख रहा है, देख सकते हैं दया मेडिकल हॉल। तो सुमंती को यहीं लेके लाए हैं चेकअप कराने के लिए, बहुत अच्छा जगह है देख सकते हैं। और यहाँ पर चेकअप भी बहुत अच्छा होता है, लोगों का विश्वास है और लोग आते हैं दूर दूर से। कितना अच्छा बागवानी किया है इधर देख सकते हैं, अभी तो नया ही है, इधर भी देख सकते हैं। इधर बैठ सकते हैं आ करके, पेशेंट लोगों के लिए इधर बैठने के लिए जगह है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना सुंदर है यहाँ पर डॉग, मुझे डॉग बहुत पसंद है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू, ये हॉस्पिटल नया ही बना है। चलिए अंदर की ओर भी आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा, पूरा अंदर तो नहीं दिखाएंगे उधर पेशेंट सब है, तो बाहर बाहर ही दिखाएंगे। ये फूल पूरा मस्त लगा, बहुत सुंदर दिख रहा है इसलिए मैं इसका भी वीडियो बना लिया हूँ, देख सकते हैं। और लड़कियां तो सबसे ज्यादा फूल पसंद करते हैं। तो दोस्तों चेकअप हो गया है, अब कुछ कुछ दवाइयाँ मिला है, आप लोगों को घर में दिखाएंगे क्या क्या दवाई मिला है। अब निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अब घर आ चुके हैं और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्या दवाई सब मिला है। दो दवाई, उठो उठो इधर आओ आओ ना, सामने आओ सामने आओ। तो ये दवाइयाँ मिला है, सुमंती का तबीयत खराब है तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आप लोग दुआ करें। विटामिन वाला है हेम पुष्प। अच्छा मैं ब्लर किया हूँ इसलिए थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोग को, सामने से दिखाते हैं तो आप लोग को दिखेगा, देख सकते हैं क्या हेम सिक्का। हाँ हेम सिक्का, इसको दे लो, मतलब बहुत साल के बाद सुमंती का तबीयत खराब हुआ, अब ठीक भी हो जाएगी बहुत जल्द। अब सुमंती के लिए प्रार्थना कर दे और जल्द से जल्द ठीक हो जाए ना।
लेकिन अब बात करने का मन भी नहीं कर रहा है इसको, कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है। मैं भी गाना भी नहीं बना पा रहा हूँ, दिक्कत हो रहा है इसको, तो फिर मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। तो इसलिए गाइस आप लोग बस आप लोग दुआ करें जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग को अगर मेडिकल जाना है, अगर इस एरिया के हैं, मोरू एरिया के हैं, तो आप लोग पता ही है कि बिंदा में मतलब दया मेडिकल हॉल खुला है, जो बहुत अच्छा वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। तो आप लोग भी ज़रूर आइए, जो लोग गए हैं उनको पता है कि वहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग वीडियो बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो बहुत जल्दी मिलेंगे। ये भी दवाइयाँ हैं, सुबह शाम इसको खाना है, विटामिन वाला ये। ओके बाय बाय।